एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। नौकायन में भारत को 5वां मेडल मिला है। तो पुरुष टीम ने नौकायन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत को अब तक 8 मेडल्स मिल चुके हैं और आज की भी जो शुरुआत है वो बेहद शानदार हुई है। नौकायन में पुरुष टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो वहीं 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष टीम को गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है। टोटल 8 मेडल्स भारत के नाम हो चुके हैं। तो इंतजार हो रहा था गोल्ड मेडल का और आखिरकार देखिए गोल्ड मेडल भारत की झोली में आ गया है। नौकायन में भारत को देखिए 5वां मेडल मिला है। अब तक 8 मेडल भारतीय टीम के खाते आ चुके हैं। लगातार जो खिलाड़ी हैं वो अपना शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चीन में हो रहे एशियन गेम्स से जिस तरह से एक एक करके जो मेडल्स की यहां पर खबर आ रही है कि एक और मेडल अब जुड़ गया है। पुरुष टीम ने नौकायन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मिला है। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मिला है इंडियन टीम को। तो भारत की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने अब तक 8 पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारत जिसके लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था वो गोल्ड मेडल आखिरकार भारत के खाते में आ ही गया है। रुद्राक्ष ऐश्वर्य दिव्यांश को गोल्ड मेडल मिला है। देखिए बड़ी सफलता, शानदार प्रदर्शन, एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में और मेडल भारत की झोली में आ सकते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में बड़ी उपलब्धि, शूटिंग में भारत की पुरुष टीम को ये गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले देखिए सिल्वर मेडल मिल चुका है, ब्रॉन्ज भी आ चुका है भारतीय झोली में और अब जो गोल्ड मेडल की बात यहां पर निकल कर सामने आ रही है जिसका इंतजार जो है देश कर रहा था। और आइए अब आपको मेडल टैली भी हम दिखा देते हैं। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। टोटल 8 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। किरण चोपड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण, आज के शेड्यूल्ड जो गेम्स हैं वो भी आप बताएं और क्योंकि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर, सुबह सुबह गोल्डन शुरुआत हुई है। बिल्कुल गोल्डन शुरुआत हुई है और आज के शेड्यूल इवेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जिस इवेंट में हमने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जिन 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता था उनका इंडिविजुअल फाइनल भी अब यहां पर शुरू हो चुका है। यानी कुछ मैं कहूँगी मिनटों के इंतज़ार के बाद हो सकता है आपको एक और अच्छी खबर देखने को मिले, सुनने को मिले, क्योंकि तीनों खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था, रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्या, तीनों के तीनों 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इंडिविजुअल में इस वक्त यहां पर निशाना लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। जिस हिसाब से टीम इवेंट में उनका प्रदर्शन था, कोरिया और चाइना की टीम को उन्होंने हराया था और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता था, तो अब से कुछ देर में मैं कहूंगी एक और खुशखबरी का इंतजार हमको रहेगा। और उसके बाद वुमेन क्रिकेट टीम का फाइनल है आज। देखिए चाइना में एशियन गेम्स में बहुत साल के बाद, तकरीबन 13 साल के बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है और उसमें आज श्रीलंका के साथ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम स्मृति मंधाना की कप्तानी में उतरेगी। वो 11:30 बजे भारतीय समय मुताबिक मैच शुरू होगा जिसमें आपको उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट बनेगी हमारी क्रिकेट टीम भी। तो ये मेडल इवेंट जो थे आज के वो यही थे क्योंकि रोइंग के इवेंट्स जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। रोइंग ने देखिए आपको 5 मेडल दिलाए, 3 मेडल कल और 2 ब्रॉन्ज आए, तो रोइंग की टीम भी यहाँ से सफलतापूर्वक जाएगी जब आज रोइंग के इवेंट खत्म हो गए हैं। और उसके बाद अगर मैं कहूँ नॉन मेडल इवेंट्स की बात करूँ तो रोहन बोपन्ना आपको टेनिस पे नजर आएंगे। महिला क्रिकेट टीम किस तरह से शानदार प्रदर्शन करती है और क्या गोल्ड मेडल भारत की झोली में आता है इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका तमाम जानकारी के लिए।